वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। स्वागत है और एक नई वीडियो के अंदर। आईक्यू जो है इंडिया में अपना जेड सीरीज में और एक नए स्मार्टफोन को बहुत ही जल्दी लॉन्च करने वाला है। इस स्मार्टफोन का जो नेम रहने वाला है वो है आईक्यू Z9 5G या फिर आईक्यू Z9 5G। फाइनली इंडिया में कब लॉन्च होने वाला है एंड इसका जो ऑफिशियल प्राइस है, स्पेसिफिकेशन है, वो सब कुछ बाहर आ चुका है। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसका स्पेसिफिकेशन क्या होगा, इंडियन प्राइस पॉइंट क्या रहने वाला है एंड कौन से महीने में लॉन्च होगा, इस फरवरी में या फिर मार्च में, वो भी कौन से डेट में, सब कुछ आज के वीडियो में पता चलेगा। वेल नमस्कार, आप देख रहे हो टेक्नोलॉजी, मेरा नाम है जय। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत में बता देता हूँ, आईक्यू Z9 5G जो फोन होगा उसका ऑफिशियल इंडियन रिटेल यूनिट का जो डिजाइन है वो कैसा देखने को मिलेगा, चलिए सबसे पहले आपके साथ शेयर कर लेते हैं। वैसे कुछ ही दिनों पहले मैंने शेयर भी किया था अपने यूट्यूब कम्युनिटी के अंदर कि आईक्यू Z9 5G का जो लेटेस्ट कलर है उस वेरियंट को कंपनी ने रिवील कर दिया है सबके सामने। आप देख तो यहाँ पे आपको आईक्यू का ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगा, दोनों कैमरा बम्प दिया गया है, फ्लैश है और OIS का भी ब्रांडिंग दिया गया है। इसका मतलब आपको कैमरास के अंदर OIS भी देखने को मिलेगी, ये कंपनी ने कंफर्म कर दिया था। टिपिकल अगर देखा जाए तो नॉर्मल जितने भी 20,000 के अंदर में स्मार्टफोन आते हैं वैसा टाइप का ही स्मार्टफोन वाला डिजाइन है। लाइक वीवो T2X T2 सीरीज के जितने भी स्मार्टफोन थे वैसा ही टाइप का डिजाइन आपको इस फोन में भी इस बार देखने को मिलेगा। बट डिजाइन के मामले में मुझे इसका कलर्स वगैरह बहुत अच्छा लगा। कैमरा बम्प में थोड़ा सा स्पेशली डिजाइन किया गया है, गोल्डन सिल्वर कलर में आपको देखने को मिलेगा। आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना आपको इस बार आईक्यू Z9 5G का डिजाइन कैसा लगा। नेक्स्ट हम लोग अगर डिस्प्ले के बारे में बात करें तो इस फोन के अंदर अगेन आपको आईक्यू के जितने भी फोन्स आते हैं इस रेंज के अंदर वैसा ही डिस्प्ले देखने को मिलेगा। एक फ्लैट सेंटर पंचोल डिस्प्ले रहेगा जिसके अंदर 120Hz का रिफ्रेश रेट रहेगा एंड एमोलेड डिस्प्ले में भी इस बार दिया जाएगा। शुक्र है कि जेड सीरीज के अंदर इस बार आईक्यू वालों ने सेंटर पंचोल दिया है, लेकिन पिछले टाइम जितने भी जेड सीरीज के फोन्स इंडिया में लॉन्च किए सारे के सारे फोन्स जो है वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले लेकर आता है। सेम यही सीरीज जो है वीवो टी सीरीज के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब वीवो टी सीरीज के अंदर वीवो T3 जो है वो भी बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाला है। सेम आपको इसी फोन की तरह ही वो भी देखने को मिल जाएगा इंडियन मार्केट में। बाय द वे उसके बारे में हम लोग कुछ दिनों बाद बात करेंगे नए वीडियो के अंदर। खैर इसके अंदर आपको एमोलेड डिस्प्ले मिल रहा है सेंटर पंचोल के साथ, साथ इस बार जो बेजिल्स है वो मुझे बहुत ही पतले लगे, बहुत ही कम बेजिल्स इस बार आपको देखने को मिलेंगे इस फोन के डिस्प्ले के अंदर। रैम एंड रोम के बारे में बात की जाए तो इस बार कंफर्म हो चुका है 8GB एंड 12GB दोनों ही रैम वेरिएंट के साथ आपको देखने को मिल जाएगा। यहां पर 256GB स्टोरेज वेरिएंट भी आपको इंडियन मार्केट में देखने को मिलेगा अलोंगिंग विद 128GB स्टोरेज। इसके अलावा बताया जा रहा है कि इस बार आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिलेगा, डुअल सिम आप इस्तेमाल कर पाओगे लेकिन SD कार्ड का कोई सपोर्ट इस फोन में आपको देखने को नहीं मिलेगा। परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो मैंने ऑफिशियली कंपनी से मिलने के बाद शेयर कर दिया था यूट्यूब कम्युनिटी में कि इस फोन के अंदर इस बार आपको डायमेंसिटी 7200 चिपसेट देखने को मिल जाएगा। अगर आप डायमेंसिटी 6080 या फिर स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 जो कि लेटेस्ट X9B ओनर में आया था उसके साथ तुलना करते हो तो इसमें बेटर एंटीटू स्कोर आपको देखने को मिलता है। ये एक 6 nm का प्रोसेसर है एंड मैं इस प्रोसेसर को लेकर बहुत ज्यादा क्यूरियस हूं एंड इसके साथ और एक जो सिमिलर स्पेसिफिकेशन लेकर आता है उस प्रोसेसर का मैं रिव्यू बहुत ही जल्दी अपने चैनल में लाने वाला हूं। बाय द वे इस प्रोसेसर के साथ आपको ये फोन बहुत ही तगड़ा स्पेक्स में देखने को मिलेगा, ये प्रोसेसर बहुत ही पावरफुल भी है। कैमरास की अगर हम बात करें तो दोनों साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा कि आपको डुअल रियर कैमरास देखने को मिल रहे हैं। अब मैं बता दूं यहां पे सोनी का सेंसर इस्तेमाल किया है आईक्यू वालों ने जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। इस प्राइस के अंदर जो प्राइमरी सेंसर रहेगा सोनी का IMX882 सेंसर देखने को मिलेगा विद OIS, आपको ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाईजेशन मिलेगा जो कि भाई इस प्राइस के अंदर बहुत ही बढ़िया लगा मुझे। आईक्यू वाले ऑलवेज अपने फोन के अंदर बजट के अंदर अच्छी अच्छी चीजें प्रोवाइड करते हैं जो कि आईक्यू Z9 5G में भी आपको देखने को मिलेगा। जो दूसरा कैमरा मिलेगा वो अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस आपको देखने को मिलेगा जो कि 8 MP का सेंसर रहने वाला है। जो सेल्फी कैमरा आने वाला है वो 16 MP का रहेगा सेंटर पंचोल के अंदर। बैक कैमरा से आप लोग 4K 30fps तक वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो एंड फ्रंट कैमरा से आप 1080p वीडियोस ही सिर्फ रिकॉर्ड कर सकते हो। एंड्रॉइड वर्जन एंड UI के बारे में बात की जाए तो आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 के साथ आएगा एंड फ्रंट टच OS के साथ ये रन करने वाला है। ऑल सेंसर इसमें देखने को मिल जाएगा इंक्लूडिंग जायरोस्कोप भी इसके अंदर अवेलेबल है। इसके अंदर आपको इंडिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाएगा एंड 3.5mm ऑडियो जैक भी मेबी बताया जा रहा है इस बार इस फोन के अंदर आएगा। फेस अनलॉक का फीचर भी इस फोन के अंदर अवेलेबल है। अब स्पीकर जो रहेगा इस फोन के अंदर वो सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर ही रहने वाला है, इसका कंफर्मेशन अभी तक नहीं आया बट सिमिलर इस प्राइस के अंदर वीवो के जितने भी फोन है या फिर आईक्यू के जितने भी फोन है वो सारे के सारे फोन आपको सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर के साथ ही देखने को मिलता है जो कि इस फोन में भी मिलेगा। बैटरी बैकअप के बारे में बात करिए तो 5000mAh तक का बैटरी आपको देखने को मिलेगा और कंपनी ने ये भी मेंशन किया कि 44W तक का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगा ये वाला फोन, बट आउट ऑफ द बॉक्स आपको मिलेगा सिर्फ 33W का फास्ट चार्जर फ्रॉम आईक्यू।
अब यही थे सारे ओवरऑल स्पेक्स जो कि IQOO Z9 5G इंडिया में आने वाला है ऑफिशियल रिटेल यूनिट का, जो स्पेक्स थे मैंने बता दिया। बाकी बहुत सारे लोग बताएंगे ग्लास रहेगा या पॉलीकार्बोनेट रहेगा पीछे के साइड में, तो पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ ही ये फोन आने वाला है। दो कलर वेरिएंट्स आपको देखने को मिलेगा, उनमें एक तो मैंने रिवील कर दिया कि एक ग्रीन कलर में आने वाला है, दूसरा और एक कलर वेरिएंट आपको देखने को मिलेगा जो कि ऑरेंज ऑरेंज टाइप का रहेगा। इसके अलावा आप इसके लैंडिंग पेज जो है वो आप देख सकते हो, जाके Amazon इंडिया पे लाइव हो चुका है इसका लैंडिंग पेज, एंड कमिंग सून यहाँ पे लिखा गया है बहुत ही जल्दी इंडिया में लॉन्च होने वाला है। अब जितना तक मुझे पता चला है कि इसका जो स्नीक पीक होने वाला है, बहुत सारे स्टेट में यहाँ पे मेंशन किया है कंपनी ने कि 3 मार्च से लेके इसका स्नीक पीक होने वाला है। इसका मतलब मार्च के सेकंड वीक तक इसको लॉन्च होने के पूरे पूरे चांसेस है। एक बैनर अगर आ जाता है Amazon पे तो वो फोन करीबन 20 दिन के अंदर इंडिया में लॉन्च हो जाता है। तो स्नीक पीक के हिसाब से अगर आप देखते हो तो इंडिया में मार्च के सेकंड वीक में इस फोन को लॉन्च किया जाएगा बहुत ही जल्दी। इंडिया में ये फोन मेरे ख्याल से जब लॉन्च होगा ये 25,000 रुपीज के अंदर में लॉन्च होगा, बट जहां तक बात रही मेरे अकॉर्डिंग प्राइस की तो मुझे लगता है ये अंडर 21-22 के तक रह सकता है बैंक अकाउंट अगर आप डिस्काउंट वगैरह लगाते हो। देखते हैं इंडिया में किसके प्राइस में लॉन्च होता है, मेरे प्राइस में या कंपनी के अकॉर्डिंग प्राइस में। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको क्या लग रहा है ये कितने प्राइस में लॉन्च हो सकता है इंडियन मार्केट में, और ये भी मुझे कमेंट करके बता देना, शेयर कर देना कि आप इस फोन के लिए एक्साइटेड हो। अगर एक्साइटेड हो तब तो रुक जाओ भाई, ये फोन बहुत ही अलग होने वाला है।